चंबा के चुराह की एक प्राइवेट आईटीआई के 35 छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल छात्रों को उनके प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र न मिलने की समस्या को लेकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष जयसिंह की अध्यक्षता में उपायुक्त चंबा से मिला। इस दौरान जयसिंह द्वारा इन युवाओं की समस्या को उपायुक्त के समक्ष रखते हुए जल्द मामले पर कार्रवाई की मांग उपायुक्त से की गई। इस बारे जानकारी देते हुए अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष जयसिंह ने बताया कि चुराह में खुली एक प्राइवेट आईटीआई में इन छात्रों द्वारा 2015 से 2017 तक प्रशिक्षण प्राप्त किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी इन 35 छात्रों को उनके प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र संस्थान द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि इन युवाओं का भविष्य अंधेरे की ओर जा रहा है। अतः उनकी प्रशासन से मांग है कि जल्द मामले पर कोई कार्रवाई की जाए ताकि इन युवाओं का भविष्य खराब ना हो। उपायुक्त महोदय से मिलने आए हैं, समस्या चुरा विधानसभा क्षेत्र की है। हमारे नौजवान साथी जो हैं, जिन्होंने आईटीआई भट्ट खुशनगरी चुरा में 2017 में डिप्लोमा किया हुआ था और डिप्लोमा करने के बाद जो है आईटीआई खुशनगरी जो भट्ट के नाम से जानी जाती है, वहाँ के प्रबंधक ने दो सालों से इनके छात्रों के 35 छात्रों ने वहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी और 35 छात्रों के अभी तक जो है भट्ट आईटीआई खुशनगरी चुराह ने उनके प्रमाण पत्र डिप्लोमा नहीं दिए। इस बार हमारे छात्रों ने आईटीआई खुशनगरी चुराह में जो प्रबंधक हैं आईटीआई के, उनके साथ बातचीत की, नेताओं के साथ भी बातचीत की, लेकिन उसका नतीजा जो है बिल्कुल जीरो निकला है। चंबा हाइड्रो प्रोजेक्ट ने पंचायत ने जो है भट्ट आईटीआई के साथ जो है एमओयू साइन किया था। ये जितने भी हमारे गरीब परिवार के बच्चे हैं, बार बार इन्होंने खुशनगरी आईटीआई में जाके जो है उनसे निवेदन भी किया, लेकिन आज दिन तक जो है इनका प्रमाण पत्र नहीं मिला और विवश होके आज मजबूर होके हम माननीय उपायुक्त महोदय के पास आए हैं। वहीं जब इस मसले पर उक्त आईटीआई के प्रबंधक से फोन पे बात की गई तो उन्होंने बताया कि इन 35 छात्रों को क्षेत्र की पंचायत और क्षेत्र में खुले एक प्रोजेक्ट द्वारा स्पॉन्सर करके आईटीआई ट्रेनिंग करवाई गई थी, लेकिन इसकी राशि अभी तक पंचायत और उक्त कंपनी द्वारा उनकी आईटीआई को जारी नहीं की गई है, जिसके चलते वह इन छात्रों की ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र उन्हें नहीं दे पा रहे हैं। संस्थान के प्रबंधक का कहना है कि जैसे ही पंचायत और उक्त कंपनी ट्रेनिंग की राशि को जारी कर देती है तो छात्रों के प्रमाण पत्र संस्थान द्वारा जारी करवा दिए जाएंगे। चंबा हलचल मीडिया नेटवर्क रिपोर्ट।